ये इश्क अगर दिल में होगा तो इंशाअल्लाह रहमान फिर हमारे घरों का माहौल क्या होगा, हमारी बच्चियां बगैर पर्दे के नहीं डालेगी, हमारी बच्चियों के अंदर इस्लामी शौक पैदा हो जाएगा, इसलिए कि जब हम खुद नेक होंगे सरकार का इश्क हमारे दिल में होगा। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया अपने बच्चों को अगर अदब सिखाना है, अपने बच्चों के अंदर कुछ पैदा करना है तो आपके बच्चे जो छोटे हैं ना इनके हाथ में मोबाइल देकर गेम ना खिलाइए, बल्कि इन बच्चों को बचपन ही से सरकार अलैहिस्सलाम का इश्क सिखाइए। इश्क कैसे सिखाया जाएगा? आपके बच्चों के कान से बचपन ही से आवाज टकराना चाहिए, कौन सी हबीबे खुदा का नजारा कर, दिलों वालों उन पे निशारा करूं मैं, ये आवाजें इनके कान से टकराती रहे, तुम्हारी बच्चियों के कान से ये आवाज टकराए। हजरत फातिमा ज़हरा के वाकयात जिक्र कीजिएगा, आपको बता रहा हूँ जितने यहाँ बैठे हैं सब जिम्मेदार हैं, अपनी अपनी बीवियां अपनी माओ और बहनों और बेटियों को इस्लामी पर्दे का शौक अता कीजिएगा। यही मसलक आला हजरत है, हजरत सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह है, हजरत मौलाए कायनात बैठे हुए हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से मालूम किया जरा ये पैगाम लेकर के जाइएगा और अपनी बच्चियों को भी बताइएगा, जो बच्चियां यहां बैठी है सुन रही है, मां और बहन यहां बैठी है सुन रही है, ये अपने पहलू में इस बात को पल्लू में बांध कर लेकर के चली जाए। हमारे इलाके में बोला जाता है पल्लू में बांध लो, मुराद ये है कि दिल से लगा के लेकर के जाओ। अगर कॉलेजेस में बच्चियां जाती है तो इस्लामी तौर तरीका होना चाहिए, तुम्हारी बच्चियों के चेहरे से नकाब ना हटा हो बल्कि उनके चेहरे पर नकाब डला हो, ताकि रास्ते से गुजरती हो तो पता चल जाए ये कनीज़े फातिमा आ रही है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मानने वाली आ रही है। अरे जरा करबला के मंजर को याद कर लीजिएगा, हजरत इमाम हुसैन है, मैदान करबला है, यजीदी सामने खड़े हैं, 22,000 का लश्कर है, लेकिन पूछो हजरत इमाम हुसैन से, हुसैन ये तो मकाम ऐसा है यहाँ अली की शुजात को बयान किया जाए, इसलिए कि सामने लड़ने की बात हो रही है, लेकिन हजरत अली बात क्या कर रहे हैं, हजरत इमाम अली मकाम बात क्या कर रहे हैं, पहले अपना रिफरेंस देते हैं, कहते हैं मुझे पहचानो मैं तुम्हारे उस नबी का बेटा हूँ जिसका कलमा पढ़ के तुम मुसलमान होते हो, और दूसरी बात क्या है अपनी माँ के पर्दे पर फख्र करते हुए कह रहे हैं, रश करते हुए कहते हैं, कहते पहचानो मुझे मैं कौन हूँ, कहा मैं उसी फातिमा का बेटा हूँ जो कल कयामत के दिन 70,000 हुराने जन्नत के बीच आएगी, तब भी अल्लाह फरमाएगा या अहलल जमई लकशू रुसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमर्रा फातिमा तो बिन्तो मुहम्मदिन अला सिराती, कहा जाएगा अहले महशर अपनी नजरों को झुका लो, इसलिए कि पर्दा किया था फातिमा ने, इसलिए कि अपने बालों को छुपाया था फातिमा ने, इसलिए कि अपने बालों की सियाही को किसी के नजर नहीं लगने दी थी। आज अल्लाह ने उसी के पर्दे का किस तरीके से करकर शरब अता फरमाया है, हजरत फातिमा तो ज़हरा है, 70,000 हुराने जन्नत के बीच जिनकी शक्ल भी फातिमा की शक्ल है लेकिन फिर भी गुजर रही है, तो अल्लाह फरमाएगा अहले महशर अपनी नजरों को नीचे कर लो, इसलिए कि अब पुलसिराज से मेरे महबूब की बेटी फातिमा का गुजर होने वाला है। तुम्हारी हमारी माए हैं सरकार अलैहिस्सलाम की अजवाज, हमारी माओ को कहा गया वला तबर रजना तबर्रुजल जाहिलियत लूला, ईमान वालियों को कहा गया कुल लिल मोमिनाती यगदुदना मिन अबसारहिन्ना व यहफदना फुरूजहुन्ना, कुरान कहता है ईमान वालियों से आप फरमा दे महबूब नजरें नीची रखें, शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये कॉलेजेस में भेजकर अपनी बेटियों की जिंदगी को तबाही में डालने वालों याद रखना आने वाला जमाना कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा, ये हमारी नस्लें हैं इनको संभाल के रखना जरूरी है, ये मुस्तफ़ा करीम की सच्चे आशिक होना चाहिए। हजरत अली बैठे हुए हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, सहाबा इकराम भी मौजूद है, मेरे नबी ने सवाल किया अय्यु शैइन खैरुन लिन्निसा, तवज्जो है ना आपकी जरा सुनिए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अय्यु शैइन खैरुन लिन्निसा, ए मेरे सहाबा बताओ औरतों के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, सहाबा इकराम फसकतु सबके सब खामोश रहे, हजरत अली कहते मैं उठा फरजातु और मैं उठ करके आ गया और आया किसके पास, फातिमा तो जहरा के पास, फकुलतु ले फातिमा, मैंने फातिमा से पूछा फातिमा आज मेरे नबी ने सवाल किया
किसी सहाबी ने जवाब नहीं दिया। क्या सवाल किया था? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। इमाम अहमद ने अपनी मुसनद के अंदर इस हदीस को लिया है। क्या सवाल किया था? आका करीम अलैहिस्सलाम ने, अब्बा जान ने क्या सवाल किया? हजरत अली कहते मेरे नबी ने पूछा, अय्यु शय्इन खैरुन लिन्निसा, ये मेरी माएँ बहनें बैठी है, अगर कान तक उनकी आवाज़ पहुँच रही है तो सुने जरा गौर से, तुम्हारे लिए बेहतर क्या है? तुम्हारे लिए सिंगार बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए फैशन वाला लिबास बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए बेपर्दगी बेहतर नहीं है, तुम्हारे लिए जिस्म को खोलना बेहतर नहीं है, बल्कि हजरत फातिमा ज़हरा से अगर मोहब्बत करती हो तो उनकी ज़बान से आप पैगाम लेकर के जाइए। आका करीम ने सवाल किया, हजरत अली पूछ रहे हैं, नबी ने पूछा अय्यु शय्इन खैरुन लिन्निसा, हजरत फातिमा से कहा बताओ फातिमा कौन सी चीज औरतों के लिए सबसे बेहतर है। तब फातिमा ज़हरा सैयदाए कायनात मखदूमाए कायनात रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा बेटी ने, मौलाए कायनात की पाकीज़ा बीवी ने, हसनैन की माँ ने जवाब दिया था, अल्लाह यरा हुल्लर रिजाल, औरतों के लिए सबसे बेहतर यह है कि ना वो मर्दों को देखे और ना मर्द उनको देख पाए। मतलब यह है कि अगर पर्दे के साथ रहती है तो सबसे बड़ी नेमत उनके लिए यह हुआ करती है। सुभान अल्लाह। समझ में आई बात आपके? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है, दूसरी बार हज करने के लिए गए, हज नफिल, आपके साथ आपके बेटे भी, हुज्जतुल इस्लाम आपके भाई भी, आपके घर की मस्तूरात भी। पहले तो मीना का रास्ता बहुत छोटा था, तंग था, सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक खड़े रहे। हुज्जतुल इस्लाम ने कहा अब्बा जान कब तक खड़े रहेंगे? जलाल में आ गए आला हजरत, कहा देख नहीं रहे हो घर की औरतें? अहमद रजा खान जब फतवे देता है तो अमल करके भी दिखाएगा। अगर मैंने इन भीड़ भाड़ के अंदर अपने घर की औरतों को लेकर के गया तो अजनबी मर्द का जिस्म मेरे घर की औरतों से टच हो जाए, अहमद रजा को ये गवारा ने। शादियों के शॉपिंग के नाम पर अपनी बच्चियों को मार्केट में ले जाने वालों, शादियों में डीजों के नाम पर अपनी जिंदगी को तबाह करने वालों, अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है डीजों में हजारों खर्च करते हो, होना तो ये चाहिए तुम्हारे घर में अगर शादियां हो रही है, बच्चे को अल्लाह ने ये मंजर दिखाया है, ये खुशी का दिन दिखाया है, तो जितना हराम काम में पैसा खर्च होता उन सारे माल को जमा करके ये कहो हमारे पड़ोस में गरीब कौन है, हमारे पड़ोस में बेवा कौन है, किसका बच्चा बीमार है, किसकी माँ बीमार है, किसका बेटा बीमार है, हम वो पैसा देकर उसके मर्ज के लिए, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए ऐसा करें। और सुनो जो शादी के मौके पर, अरे मियाँ शादी तो सबसे बड़ी सआदत की बात होती है, उससे पहले भी कुछ ऑप्शन रहते हैं, कुछ स्टेप रहते हैं, सबसे पहले मंगनी होती है, उसके बाद तारीख पड़ती है, उसके बाद फिर क्या है शादी का दिन आता है। सरकार ने मंगनी के बारे में इरशाद फरमाया, कुल्लो खिदमतिन लैसा फीहा तशहुदुन फहिया कलियदिल जज्मा, अपने घरों में डीजे बाजे लगाने वाले और तरह से रक्स सुरूद की महफिलें सजाने वाले, जरा कान खोल कर सुने, मेरे नबी फरमाते हर वो पैगामे निकाह यानी हर वो मगनी जिसमें अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, फहिया कल या दिल जज्मा, वो कटे हुए हाथ की तरह है। मतलब ये है अगर तुम्हारे बच्चे की मंगनी हुई तुमने सरकार के जिक्र की महफिल नहीं सजाई, याद रखो तुम्हारे रिश्ते में नाकामी आ रही है, तुम्हारे रिश्ते में बरकतें नहीं है। अब जरा गौर कीजिएगा, जिस शादी के अंदर डीजे हो और उसके बाद में डीजे हो, तो यहां तो मंगनी में अगर जिक्र इलाही नहीं तो बरकत नहीं। उन शादियों में कहां से बरकतें आएंगी जहां पर मेरे रसूल अलैहिस्सलाम की शरीयत के खिलाफ वर्जी। और अपनी बेटियों को भी इस्लाम का पैगाम सुनाइए और बताइए अगर किसी दाढ़ी वाले का रिश्ता आ जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। यही इस्लाम का पैगाम है। मेरे नबी के जमाने में एक सहाबी थे जुलैबीब, रंग से सांवले थे, खानदान भी नहीं था, रिश्तेदार भी नहीं, सरकार की मस्जिद में नमाज पढ़ के वही रात को सो जाते, सरकार की रहमत जोश में आई, फरमाया अला ततसव्वज या जुलैबीब, शादी नहीं करोगे जुलैबीब, शादी नहीं करोगे? कहने लगे हुजूर मुझे कौन लड़की देगा? सारी बात बहुत लंबी तफसील है, बस इतनी बात अर्ज करूं, सरकार ने फरमाया इज़हब इला ज़ाकल बैत मिन अंसारी, फरमाया फला अंसारी के घर चले जाओ और जाने के बाद मेरा पैगाम पहुंचाना। वो गए, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई मन तरकल बाप, अब मन कराल बाप, किसने दरवाज़ा खटखटाया? कहने लगे मेरा नाम जुलैबीब है, मैं सरकार का सहाबी हूँ। उन्होंने कहा ला आरिफ़ो, का हम नहीं पहचानते, का दरवाज़ा तो खोले, अंदर गए, का हुजूर ने आपको सलाम भेजा, पैगाम भी भेजा है, क्या? का अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर,
सरकार अलैहिस्सलाम के साहबी ने कहा बीवी से मशवरा करूं, सारा का सारी कंडीशन बयान कर दी, बैकग्राउंड भी बता दिया। बीवी ने कहा ना बाबा, हमारी बेटी तो हसीन और जमील है, क्योंकि उनके जहन में कुरान की ये आयत अभी थी नहीं, जबकि बेटी के जहन में थी। हमा कान लिल मोमिनी इज़ा कदल्लाहु व रसूलु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। कुरान पाक फरमाता है ना कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल फैसला कर दे तो ईमान वालों को इख्तियार नहीं रहता कि वो अब उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ अमल दखल दे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की वो पाकीज़ा सहाबी अंदर से आए और आने के बाद आने वाले सहाबी से कहते हैं, जुमले सुने जरा गौर से, आप हंगामी सूरत का शिकार ना हो। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी अंदर से आए, कहने लगे मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर तो देता, लेकिन यहाँ हुस्नो जमाल नहीं, बालो मलाल नहीं, खानदानी सतवत नहीं है। इतना कहा उन्होंने मना कर दिया। पर्दे के पीछे वही मेरे मुस्तफा की शरीयत को पड़ी हुई बेटी बैठी थी, उधर से आवाज निकालती है, कहती है इदफाउनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लयुसजियानी। कहती है अब्बा जान, आने वाले का आसान जुमला आपके लिए तर्जमा कर रहा हूं। पीछे से आवाज आती है, कहती है अब्बा जान, आने वाला हसीन ना हो तो ना हो, भेजने वाला मुस्तफा तो हसीन और जमील।